हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल होम एंड मजमूर में। आप लोगों से ही रिक्वेस्ट आती रहती है तो मुझे भी वीडियो के लिए आइडियाज़ मिलते रहते हैं और आज का वीडियो भी है ऐसा ही। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे पास कौन कौन से किचन अप्लायंसेस हैं। हाँ, इनमें मैं OTG ओवन्स कवर नहीं कर रही क्योंकि मैंने रिसेंट में ही एक वीडियो बनाया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना दिखाऊंगी कि मेरे पास क्या क्या है और कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखा दूंगी इधर टेरेस किचन से, जहाँ पर आपको दिख जाएगा कि क्या चीज़ें इसमें बनाई हैं। अगर आपको इनमें से कुछ अप्लायंसेस का डिटेल यूसेज समझना है, आप चाहते हैं कि मैं दिखाऊं, या फिर कुछ डिफरेंसेस समझने हैं, तो मुझे आज के वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और जो भी ये अप्लायंसेस हैं, अगर ये अभी भी अवेलेबल है, तो मैं आपको इनकी जो लिंक है परचेज लिंक वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दे दूँगी। और अगर नहीं है मान लीजिए तो सिमिलर प्रोडक्ट किसी और ब्रांड से होगा तो मैं दे दूँगी। ये वीडियो किसी भी ब्रांड से स्पॉन्सर नहीं है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है मेरे अप्लायंसेस। इसमें मैंने ओवन्स इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि रिसेंटली मैंने ओवन पर वीडियो डाला था और ओवन के यूसेज पर भी मैं डिटेल वीडियो बाद में डालने ही वाली हूँ। सबसे फर्स्ट है ये मिक्सर ग्राइंडर। ये 750 वॉट्स का है, काफ़ी पावरफुल है। यहाँ पर फिलिप्स लिखा हुआ था लेकिन यूसेज के साथ वो उड़ गया, चला गया। काफ़ी पावरफुल है, बहुत अच्छे से ये चर्न करता है चीज़ें, बहुत बारीक हो जाती है, लेकिन ये नॉइजी है। इसके बेस में जो बुश आए थे प्लास्टिक के या रबर के जो थे, वो इवेंचुअली घिस गए और इसलिए नीचे मैंने एक प्लेट रखी हुई है। एंड इसके साथ ही तीन जार्स आए हैं जैसे नॉर्मली मिक्सर ग्राइंडर में आते हैं। मैं इसे द टेरेस किचन पर काफ़ी यूज़ करती हूँ। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा, तो ये जो बर्तन है, जो सिर्फ बर्तन आपको दिखता है, उसके पीछे मिक्सर ग्राइंडर यही वाला होता है। तो काफ़ी सारी अच्छी डिशेस बना सकते हैं। क्रीमी मखनी ग्रेवीज में भी आपको टेंशन नहीं है, काफ़ी फाइन इससे प्योरे हो जाता है। और हाँ, ये फिलिप्स से स्पॉन्सर या किसी ब्रांड से स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास है ये न्यूट्री ब्लेंडर। इसमें दो जार्स आए हैं और ये इसका यूनिट है। यहाँ पर नॉब नहीं है घुमाने वाला, यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं ऑन ऑफ के लिए। एंड 1, 2, 3 ऐसी स्पीड भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लो और हाई है। एंड एक साइड पे पल्स है, ये देखिए बीच में है, इस तरह से है। इसके साथ दो जार्स आए हैं, एक ड्राई ग्राइंडिंग के लिए, एक वेट के लिए। और जो ब्लेड्स हैं वो भी इंटरचेंजेबल है क्योंकि सेम साइज है, डायमीटर सेम है जार्स का। साथ में इसके तीन लिड्स भी आई है, एक ऐसी है जिससे पोर कर सकते हैं और दो इस तरह के ढक्कन है कि इन्हें लगा के आप जो भी बचा हुआ है ये चीज़ फ्रिज में रख सकते हैं। ये भी काफ़ी पावरफुल है, ये 1000 वॉट्स का है, तो इसमें भी काफ़ी फाइन प्यूरे हो जाता है। तो इसे भी आपने द टेरेस किचन पर देखा होगा। एक्चुअली आज जो भी आपको मैं दिखा रही हूँ, ये सब मैंने कहीं ना कहीं द टेरेस किचन पर यूज़ किया है। ये देखिए, मैंने ग्रेवी बनाई है, यहाँ पे इसे ग्राइंड किया है, प्यूरे बनाया है, जो भी इसका मसाला है उसका। नेक्स्ट है ये मेरा इलेक्ट्रिक बीटर। ये काफ़ी पुराना है, जब हम मुंबई में रहते थे हमने ख़रीदा था, ये शॉप से ख़रीदा था। आजकल बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड से आप कोई भी ले सकते हैं। नॉर्मली ये 300 वॉट्स के आसपास आता है, जो कि विपिंग के हिसाब से मोर देन इनफ है। इसके साथ ये डो हुक अटैचमेंट भी आती है, यानी आटा गूंदने वाली, ब्रेड वगैरह के लिए अगर आप आटा गूंधते हैं तो उसे अच्छे से खींचने के लिए, गूंदने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये व्हिपिंग वाली अटैचमेंट है, तो इसे आप गनाश व्हिप करने के लिए, क्रीम व्हिप करने के लिए, एग्स को बीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और आप बहुत सुंदर सुंदर केक और डिज़र्ट्स बना सकते हैं। अगर आप बेकिंग करना पसंद करते हैं या फिर वंस इन अ वाइल भी आप अगर घर पर बेक करते हैं, केक डेकोरेट करते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक बीटर तो ज़रूर आप ले, क्योंकि हैंड विस्क से उतना हो नहीं पाता है जितना बीटर से कम समय में बीट हो जाती है चीज़ें। और ये तो मैं कहूँगी कि एक मस्ट हैव है अगर आप बेक करना पसंद करते हैं। ये नेक्स्ट है हैंड ब्लेंडर। तो हैंड ब्लेंडर की फंक्शनैलिटी मिक्सर जैसी ही होती है। मुझे ये वाला पसंद है क्योंकि इसमें जो ये आगे की अटैचमेंट है ये निकल आती है, तो धोने के हिसाब से ये बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, सामने ब्लेड है, कटिंग ब्लेड। इसे आप क्रीम बीट करने के लिए, क्रीम व्हिप करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसे आप दाल को पीसने के लिए या फिर जूस बनाने के लिए, शेक्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ये जार भी आया था, ये प्लास्टिक का जार है। यहाँ पर कप्स एंड एमएल्स में मेजरमेंट दिए हैं। हो सकता है कि सारे जो मॉडल्स हैं, बाकी के ब्रांड्स हैं, उनमें ऐसे जार ना आता हो, बट आपको वो स्पेसिफिकेशंस में ही दिख जाएगा।
जो भी मेरे पास ये अप्लायंसेज हैं, इन सब की लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दी है। इन ब्रांड्स के अलावा भी कुछ अच्छी रिकमेंडेशंस मैंने आपको दी है। ये देखिए, तो मिल्क शेक आप अपने बर्तन में, किसी भी बर्तन में इससे बना सकते हैं। आपको मिक्सी की बर्तन की तरह ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, तो हैंड ब्लेंडर का ये एक एडेड एडवांटेज होता है। नेक्स्ट है ये पॉपअप टोस्टर। ये दो स्लाइसेस वाला टोस्टर है। ये देखिए, इसमें एक रैक भी दी गई है और ये आप ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रेड्स को टोस्ट करने के लिए। साइड में देखिए टेम्परेचर की सेटिंग्स है, जो नॉब है, एंड ऊपर जो आपको ये बटन दिख रहा है, जब इसमें पावर सप्लाई ऑन होता है तब ये यूज़ कर सकते हैं। बॉटम पे देखिए जो इसकी वायर है, इसे कॉइल करके रखने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। ये देखिए, इस तरह से नीचे करना होता है। ये फ़िलहाल यहाँ पर रुक नहीं रहा है, ठहर नहीं रहा है, क्योंकि अभी ये ऑफ है, मतलब पावर सप्लाई नहीं है। तो बहुत अच्छे से इसमें ब्रेड टोस्ट हो जाते हैं। पॉपअप टोस्टर्स भी बहुत ब्रांड्स के अवेलेबल है। दो स्लाइस वाले आते हैं, चार स्लाइस वाले भी आते हैं, ताकि आपको एक ही बार में चार स्लाइसेस मिल जाएं। नेक्स्ट है ये सैंडविच ग्रिल। ये 1500 वॉट का है। इस पे दो लाइट इंडिकेटर्स हैं, नॉर्मली आते हैं सैंडविच मेकर्स पर भी, जिससे ऑन एंड जब आपका सैंडविच ग्रिल हो जाता है तो उसे इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें नॉब है, इसमें टेम्परेचर नॉब है, ये ऑन ऑफ और मिनिमम टू मैक्स के बीच में रख सकते हैं। इसके अंदर ऊपर और नीचे ये ग्रिल प्लेट्स हैं, तो आपका जो सैंडविच ब्रेड है वो छोटा हो, बड़ा हो, या फिर आप टैको इसमें बना रहे हैं, पनीनी बना रहे हैं, कुछ भी आप इस पर बना सकते हैं। जो भी एक्सेस ड्रिपिंग्स हैं ऑयल की या फिर जूसेस की, वो यहाँ ट्रे पर कलेक्ट हो जाती है। सैंडविच ग्रिल्स में, सैंडविच मेकर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सारे ऑप्शंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ, दिखाऊँ मॉडल्स, कैसे कैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है यूएसबी जूसर एंड चॉपर। तो ये आपने मेरे रीसेंट किचन टूल्स के वीडियो में देखा होगा। तो इन दोनों को चार्ज करना पड़ता है, इनमें कंटिन्यूस पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। ये दोनों बहुत ही अमेजिंग है, मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि किचन में यूज़ करने के हिसाब से बिना कॉर्ड के काम कर लेते हैं। बहुत हैवी ड्यूटी ये नहीं है, एंड चॉपर में जितनी पावर होनी चाहिए उतनी इसमें है, एंड ये अच्छे से काम करता है, जस्ट दैट इसे चार्ज करना पड़ता है। एंड फाइनली ये है राइस कुकर, एंड इसमें स्टीमर की अटैचमेंट भी आई है। नीचे जो आप बोल में देख रहे हैं, इसका मैनुअल और इसके साथ जो बोल आया है वो पड़ा हुआ है, मैंने निकाला नहीं है। तो जो स्टीमर की अटैचमेंट है, इसे निकाल के डायरेक्टली भी ढक्कन लगा सकते हैं, तब ये राइस कुकर बन जाएगा, और स्टीमर की अटैचमेंट के साथ स्टीमर। हम लोग इसमें बहुत बार मोमो स्टीम करते हैं, आपने द टेरेस किचन के वीडियोस पर, होम एंड मचमोर के मोमो पार्टी के वीडियो में इसे देखा होगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और होम एंड मचमोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।